बहुजन मीडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में ये बहुजन समाज मना रहा है, जो जिम्मेदारी भारत देश की सरकार की बनती है, संविधान क्योंकि देश की धरोहर है, वो जिम्मेदारी उन लोगों की है, लेकिन वो लोग उससे अपना दामन छुड़ा रहे हैं, क्या कारण है? आप ये देखिए कि भारत के संविधान के जो चेयरमैन थे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, और सारी दुनिया जानती है कि वो दुनिया के छठे नंबर के विद्वान थे, और बिना उनके संविधान बन नहीं पाया। ये लिखित दस्तावेज है, दुनिया माने ना माने मगर लिखित में है, सब जानते हैं। उसमें जो उन्होंने लिखा वो भारत के अधिकतर उन लोगों का वेलफेयर था जो बहुत दिन से प्रताड़ित हैं। तो जब उनका वेलफेयर था, उनका फ़ायदा होना था, तो जाहिर सी बात है कि कोई आदमी उनका फ़ायदा दबा रहा है। अब ये है कि जिसने संविधान लिखा है या जिन लोगों ने संविधान बनाया है लागू करने के लिए भी, तो उन लोगों की संख्या नहीं चाहिए ना। उस संख्या, उस तरह के लोग, उस तरह के मन के लोग संविधान में आज तक नहीं आए पार्लियामेंट के अंदर। अगर बनाने वाले सारे लोग उस मन के वहाँ आ जाते तो संविधान की ये समस्या जो आज हो रही है कभी होती नहीं। सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सीधी बात। नहीं, देश में जो महिलाएं की, महिलाओं की अगर बात करें तो पूरे देश की महिलाओं के साथ लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सब कुछ उनके अधिकारों को संजो कर रखा, लेकिन फिर भी लोग उससे क्यों किनारा कर रहे हैं? महिलाओं में जो विचारक महिलाएं हैं वो बहुत कम है। विचारक महिलाओं से मतलब है कि महिलाओं को एक काम बहुत पहले से दिया गया है कि वो सिर्फ रोजी, वो अपना रोटी का, बच्चों का, अपने परिवार का लालन पालन करती रहे। विचारक महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आई ही नहीं है, और कोई आई भी है तो वो टाइप्ड महिला है, मतलब एक फ्रेम में आ गई हैं, एक आंदोलन में आ गई हैं, बस दो चार वही महिला है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण जब होगा, जब महिलाएं प्रचारक निकलें और वो संविधान को पढ़ें और देखें कि संविधान से पहले उनकी स्थिति क्या थी और संविधान के बाद क्या थी, और वो महिलाओं के लिए पूरे मन से उनके काम करने के लिए इस बात के लिए तैयार रहें कि महिला कहीं की भी हो, हम महिलाओं का उत्थान करेंगे। आप देखिए, दुनिया के मुकाबले भारत में वैचारिक, पढ़ी लिखी, समझदार महिला नहीं है। बेशक अक्षर ज्ञान होगा उनको, मगर सामाजिक ज्ञान नहीं है। इसलिए महिलाओं को ये पता ही नहीं कि संविधान में उनके लिए खजाना पड़ा हुआ है। अब कौन बताए? अब पुरुष तो बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर पुरुष बताएंगे तो महिला फिर गुलामी छोड़ देंगी। तो पुरुष तो चाहता है कि वो गुलामी बरकरार रहे, इसलिए वो संविधान को जानते हुए महिलाओं को नहीं बताता। और महिलाएं पढ़ना चाहती नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो आपको अपने टीवी के माध्यम से जोर शोर से प्रचार करना चाहिए कि विचारक महिलाएं निकलें और संविधान को पढ़ें और देखें कि उसमें क्या हीरा मिला हुआ है, क्या खजाना है। सर, इस देश के शोषित समाज को हरिजन सबसे क्यों मतलब बोला जाता है? ये तो लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है कि हरिजन सबकी उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, नेट पे है, आप पढ़ लीजिए उसमें। क्योंकि ये वाद का विवाद का विषय हो सकता है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बेसिकली नाम बदलते जाते हैं। देखिए, बुद्ध काल में एक भी जाति नहीं थी, बुद्ध के बाद भी एक भी जाति नहीं थी, बुद्ध के काल में वर्ण भी नहीं थे, और उससे पहले के साहित्य में कहीं कोई हुई नहीं शब्द। तो आप ये देखिए, जब साहित्य पढ़ेंगे नेट पर छान लीजिए कि हरिजन शब्द कैसे आया, कब आया, तो आपको पता चल जाएगा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसमें मुझसे क्या पूछना है आप? ये जो शब्द आप बता रहे हैं हरिजन शब्द, ये शब्द तो बंद हो गया 1934 के बाद। अब तो अगर शब्द यूज़ करना है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब शब्द यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। संविधान में हरिजन और दलित ये सब वर्ड नहीं मिलेंगे आपको। संविधान में तो इन सब जातियों को इकट्ठा करके समूह बनाया गया था, जिसको शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बोला जाता है, पर्टिकुलरली जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं।